दुनिया के वीरा ने पथ पर जब जब नर ने खाई ठोकर दो आंसू शेष बचा पाया, जब जब मानव सब कुछ खोकर में आया तभी द्रवित होकर मैं आया ज्ञान दीप लेकर। भूला भटका मानव पथ पर चल निकला सोते से जगकर, पथ के आवर्तों से थककर जो बैठ गया आधे पथ पर उस नर को राह दिखाना ही मेरा सदैव का दृढ़ निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विजय द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। आज़ादी को 50 साल होने आए, हम जयंती मनाने जा रहे हैं। आज देश की स्थिति क्या है, हम पिछड़ क्यों गए? There are forces outside our country that believe that they can use terror to unravel the territorial integrity of India. They wish to show that a multi-religious society cannot exist. They pursue a task in which they are doomed to fail. गीत नहीं गाता हूँ, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूँ। गीत नहीं लगी कुछ ऐसी नजर, लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं, गीत नहीं गाता, गीत नहीं गाता। पीठ में छुरी सा चांद, राह हो गया रेखा फांद, मुक्ति के क्षणों में बार बार बंध जाता हूं, गीत नहीं। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, महमूद गजनी का अफगानिस्तान के इतिहास में कोई स्थान नहीं है। गजनी छोटी सी जगह है, छोटा सा गांव है। कल्पना करिए, सैकड़ों साल पहले वहां धूल उड़ती थी, झोपड़ियां थी, मगर एक लुटेरा लुटेरों को इकट्ठा करता हुआ सोने की चिड़िया को लूटने के लिए चला आया। आपस की फूट से जो राजा है वो लड़ेगा, जो क्षत्रिय है वो लड़ेगा। हमने समाज के बहुत बड़े वर्ग को लड़ने के अधिकार से वंचित कर दिया, हमने उन्हें हथियार नहीं उठाने दिए। मार्शल नॉन मार्शल के आधार पर हमने समाज को बांट दिया। वो लटेरा सोमनाथ के मंदिर तक चला गया, पुजारी देखते रहे। हम यहां लोगों से चुन के आए हैं और जब तक लोग चाहेंगे हम रहेंगे। आपका मैंडेट कौन होता है, हमारा फैसला तय करने वाला है। आप यहां तो शक्ति परीक्षण के लिए तैयार नहीं है। अब जब असेंबली के चुनाव होंगे तब हो जाएंगे दो दो हाथ। जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद करूंगा। क्या देश के भीतरी साधनों का अधिकतम उपयोग हो रहा है? क्या यह सच नहीं है कि भ्रष्टाचार एक राष्ट्रीय रोग बन गया है? मुझे याद है स्वर्गीय राजीव गांधी ने एक भाषण में कहा था कि मैं दिल्ली से एक रुपया भेजता हूं मगर जहां रुपया भेजता हूं वहां पहुंचते पहुंचते 19 पैसे रह जाते। वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना बहुत पुरानी है। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। यहाँ मैं राष्ट्रों की सत्ता और महत्ता के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। आम आदमी की प्रतिष्ठा और प्रगति मेरे लिए कहीं अधिक महत्व रखती है। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए।
कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आए, गृह की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे सर पर बरसे, यदि ज्वालाएं निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। गृह की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे सर पर बरसे, यदि ज्वालाएं निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर संख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में, अंधकार में, कलकछार में, बीच धार में, घोर खड़ा में, भूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को तलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसी इतिहथ, सुस्मित हर्षित कैसे श्रमश्रत, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा।